ब्राह्मण तो इस पृथ्वी के देवता है। पृथ्वी के अपना भी तो कोई देवता होना पड़ेगा कि नहीं? वो देवता वो जो दे, देवता का मतलब दे, और देवता कौन है? ब्राह्मण। ये तो पृथ्वी के देवता है, ये मनुष्य में आने आते गिनती ही नहीं कर रहे। देश तो भगवान चलाते हैं, ऋषि महर्षियों का देश है, इन नेताओं का देश नहीं है। ये विश्वामित्र, वशिष्ठ, जमदग्नि, परशुराम का ये देश है। अयोध्या नगर है भी, माननीय जोगी जी ने इसको नगर निगम का दर्जा दिया है। दो नगर पालिकाएं थी, इसको बढ़ा के देश के गौरव प्रधानमंत्री ने इससे पहले ही कई सौ करोड़ रुपए दे दिए हैं। इसको बहुत सुंदर बनाया जा रहा है। दीपोत्सव का कार्यक्रम पूरे विश्व में हुआ, इस बार भी 6 नवंबर को तमाम देशों से लोग आ रहे हैं इस उत्सव को मनाने। यहाँ बजट की समस्या नहीं है, मोदी जी ने और जोगी जी ने कह दिया है कि राम की नगरी के विकास के लिए यहाँ खजाना खुला है, जो भी प्रोजेक्ट आएगा वो स्वीकृत होगा। सारी मानव सेना की इच्छा है कि इसकी ऐसी दुर्गति की जाए जिससे शत्रु दल त्राहि त्राहि कर उठे। रक्षराज जामवन, मेघनाथ जब तक जीवित था हमारा शत्रु था, पर वो शत्रुता इसकी मृत्यु के साथ ही समाप्त हो गई। राम को मानने वाले करोड़ों करोड़ लोग हैं, और राम का काम हमारे माननीय मोदी जी, माननीय जोगी जी कर रहे हैं। राम जन्मभूमि के नाम पर ही तो गए हैं ये। पहले कितने जाते थे? दो सांसद जाते थे ना, हैं? दो सांसद जाते थे,
राम जन्मभूमि के नाम पर तो ये केंद्र में राज कर रहे हैं, स्टेट में सरकार बनी है, सब जगह सरकारें बनी है राम जन्मभूमि के नाम पर। था नहीं, वो कहते विकास के नाम पे। कौन? मोदी जी कहते विकास के नाम पे। क्यों? कभी की नहीं, कोई भी सरकार आती है तो विकास करती है। तो इस बार चुनाव सिर्फ राम मंदिर के नाम पे होगा जी, विकास के नाम पे? बिल्कुल पे। विकास के नाम पर क्या होगा, विकास क्या है, हमें तो राम जन्मभूमि चाहिए। सिर्फ 7,000 रुपये महीने का, साल भर में? साल भर में 7,000 रुपये। रंगाई पोताई का पैसा 5,000 आता था, वो भी कुछ नहीं आया। अच्छा जी, कब से नहीं आया जी? इस साल नहीं आया, सिर्फ 5,000 आता है बहुत दिन से, जबकि 5,000 में हो नहीं पाता। आज के 15-20 साल पहले से 5,000 आता था, वही अब भी चल रहा है, 5,000 में हो नहीं पाता। और हम लोग अपनी तरफ से लगाते हैं, ये 7,000 का पैसा मिला के तब लगाते हैं, रंगाई पोताई कराते हैं, और भी तमाम चीज़ें स्कूल के लिए होती हैं, जैसे बेंच कम था उसको मैंने बेंच बनवाया दो दो करके, दो साल मुझे आए हुआ सर। गांव के स्कूलों की व्यवस्था जी, अब सर हमारे यहाँ तो ऐसे है अलग का, आप बगल भी देख लीजिए व्यवस्था। जी सर, बिजली तो जो है लगी थी, लगी है, फैन भी लगा है, यहाँ का निकाला गया है, वहाँ का भी निकाला गया है, और लाइट थी, लाइट कट गई है, नहीं तो पहले थी, लेकिन प्रेजेंट टाइम में मतलब 2 साल से लगभग लाइट नहीं है, कटी हुई है। क्यों कटी हुई है? अब यही इसी खंभे से पता नहीं कैसे कटी है, तब से वो लगी नहीं है, यहाँ मीटर उटर आया था, कुछ अभी हुआ नहीं है उसका। 2 साल से बिजली नहीं है इसका जी, इस स्कूल में। देखिए, यह जो मोदी ने एक कार्य किया, आज से 20 वर्ष 25 वर्ष पहले जो हमारे देश में ये जो अधिकारी रहते थे, तो तिलक लगाना, मंदिर जाना, ये एक मानते थे कि ये बाध्यता दिखाता था, है कि नहीं? एक अपने को मानते थे कि हम सेकुलर पार्टी के हैं, ये लोग क्रिमिनल, मतलब कि धार्मिक पार्टी के लोग हैं। इतना परिवर्तन इस समाज में मोदी के आने से, या मोदी के तीर्थ में जाने से, मोदी के धार्मिक होने से, या योगी जी के धार्मिक होने से समाज में दिखाई पड़ा कि समाज के लोग भी धर्म के प्रति आस्थावान हुए। स्मरण है हमको सागर साहब महाराज जी के आदेशानुसार, माननीय ब्रह्मा जी के आदेशानुसार आपने ही रिवाल्वर का लाइसेंस हमको बना के दिया। आपके चिन्ह मैं कहता हूँ कि जहाँ भी है सागर साहब राजा साहब के साथ, सागर साहब का बड़ा हम लोगों का शुभेच्छ माननीय महाराज जी के आदेशानुसार साहब तुरंत रिवॉल्वर दो। तो आप उस समय संकेत हमको किए कि ऑल इंडिया कर दें, वो समय नहीं कर पाए, वो अभी आपको नहीं हो पा रहा है।
अखाड़ों का मुख्य उद्देश्य केवल हिंदू सनातन धर्म की रक्षा करना, हमारी श्रद्धा के केंद्र होते हैं पूज्य संत महंत, वो हमको मैसेज देते हैं हम इस प्रकार से काम करें, रीति नीति कैसे चले, हम संस्कार की शिक्षा देते हैं, हम विद्यालय चलाते हैं, हम गुरुकुल चलाते हैं, हम गौशाला चलाते हैं, समाज में पढ़ाई लिखाई कराते हैं, बच्चों को आते हैं, हमारा काम क्यों लड़ाई करना थोड़ा है। अरे तुम्हारी मदद होगी, घबरा मत, मिले जा देना मुख्यमंत्री जी से, थोड़ा काम है बचा। हाँ, माननीय योगी जी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उत्तर प्रदेश सरकार आगमन हो चुका है, बहुत बहुत सम्मानित। आज श्रद्धांजलि समारोह में हमारे माननीय श्री महान सुरेश दास जी महाराज उनके स्वागत में द्वार पर ही बहुत देरों से प्रतीक्षारत थे। माननीय योगी जी का आगमन हो रहा है और आज योगी जी के आगमन से अब पूज्य माननीय श्री योगी जी से हम अनुरोध करेंगे श्रद्धा सुमन और वचनामृत पुष्पांजलि से अभी सिंचित करें माननीय योगी जी। सुरेश दास जी महाराज, बुद्धि से जो कार्य नहीं करना चाहते हैं ऐसे हमारे धर्मदास जी महाराज और पूज्य संत परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज के प्रति आस्था का भाव रखने वाले सभी श्रद्धालुजन, 72 वर्ष पहले देश आजाद हुआ था। देश के प्रधानमंत्री जी के अनुसार कि 2022 में जब देश की आजादी के 75 वर्ष पूरे होंगे तब हम कैसा भारत चाहते हैं, एक ऐसा भारत जिसमें गंदगी न हो, जिसमें अव्यवस्था न हो, जिसमें भ्रष्टाचार न हो, जिसमें कोई अराजकता न हो, जहां आतंकवाद न हो, जहां कोई नक्सलवाद न हो, जहां कोई भेदभाव न हो, जहां कोई अभाव न हो, और इस प्रकार की व्यवस्था ही राम राज्य कहलाती है। Gracias.